नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स। सागर में एक अजीब मामला देखने में तब आया जब एक मां बेटे का अपहरण किया गया है। हत्या के प्रकरण में गवाही देने नहीं पहुंचा था सच्चस्मदीद तो मां और बड़े भाई को उठा लिया, अपहरण कर लिया। दरअसल सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र के बागराज बाट का ये मामला है, जहां पर आरोपियों ने घर में घुसकर मां बेटी का अपहरण कर लिया। मामले में पुलिस को सूचना मिली तो तलाशी शुरू की गई। इसी बीच आरोपियों ने मां को छोड़ दिया, वहीं बेटे की पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2022 में गोपालगंज थाना क्षेत्र में सनी चौरसिया हत्याकांड हुआ था। मामले में शुभम पटेल चश्मदीद गवाह है और वह कोर्ट में गवाही देने नहीं जा रहा था, जिसके चलते ओम चौरसिया सहित अन्य आरोपी शनिवार रात शुभम पटेल के घर पहुंचे, जहां से वे उसके बड़े भाई जितेंद्र पटेल और मां नन्नीबाई पटेल का अपहरण कर भाग गए। रात भर मां बेटे को तिली क्षेत्र की एक होटल के रूम में रखा गया, जिसके बाद रविवार दोपहर मां नन्नीबाई को छोड़ दिया और जितेंद्र को साथ लेकर भाग गए। घटनाक्रम में रविवार शाम परिवार के लोगों ने थाने पहुंचकर शिकायत की है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अपहरणकर्ताओं की पुलिस लोकेशन ट्रेस कर रही है। अपहरण नन्नीबाई ने बताया कि छोटा बेटा शुभम हत्या के मामले में गवाह है। वह बाहर रखकर मजदूरी करता है और इस समय वह बुलढाणा में था, जो रविवार शाम को ही लौटकर सागर आ गया। शनिवार रात 1 बजे करीब 25 युवक घर आए और अंदर घुस गए। बड़े बेटे जितेंद्र को जबरदस्ती खींचकर ले जाने लगे। उन्हें मना किया, मां ने तो साथ चलने का बोला, जिसके बाद मां को भी साथ ले गए। दोनों को तिली क्षेत्र की होटल में रात भर रखा गया, जिसके बाद उन्होंने मां को तो छोड़ दिया लेकिन बेटे को साथ ले गए और उन्होंने बेटे को अब तक नहीं छोड़ा है। गोपालगंज थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि युवक के गायब होने की सूचना मिली है। मामले में उसकी लोकेशन निकाल कर तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे दस्तयाब कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ा मामला है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।